ज़िब्रा लॉन्च ये मूवी है 2001 की और IMDb पे इसकी रैंकिंग है 4.7। मूवी की शुरुआत में एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन है और ब्रैंडी। इन दोनों की लव मैरिज हुई होती है और इन्हें एक बेटा और बेटी भी है। एलन एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है और ब्रैंडी हाउसवाइफ है। एलन जिस कंपनी में काम करता रहता है वहीं पर मोनी नाम की लड़की भी काम करती रहती है और वो बहुत सेक्सी होती है और एलन हमेशा उसे ताकते रहता है और मोनी भी उसे पसंद करती है। एक दिन मौका देखकर मोनी उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और एलन भी बहुत खुशी खुशी उसके घर पे उसके साथ एंजॉय करने के लिए चले जाता है। और देर रात एलन अपने घर वापस आता है तो ब्रैंडी उससे पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तब एलन बताता है कि मेरे कंपनी में एक मोनी नाम की लड़की काम करती रहती है, उसने मुझे आज उसके घर पे इनवाइट किया था और मैं उसी के घर से आ रहा हूँ और उसके साथ मैं फिजिकल रिलेशनशिप भी कर चुका हूँ। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम लोग को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता और तुमसे मैं कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। ब्रैंडी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है लेकिन फिर कहती है, ये काम सिर्फ तुम अकेले ही नहीं बल्कि मुझसे भी हुआ है। तुम्हें याद है लास्ट समर वेकेशन पे जब मैं गई थी, मुझे भी वहाँ पर एक लड़का पसंद आया था और मैंने भी उसके साथ रिलेशन बनाया है। लाइफ में जो भी हो हम एक दूसरे के साथ कुछ नहीं छुपाएंगे, ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन वो अपने बेटे के बर्थडे के वास्ते शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक अडल्ट टॉय शॉप रहती है, वो दोनों भी उसके अंदर जाते हैं और एलन वहाँ से एक मैगजीन लेता है जो मैगजीन के अंदर अलग अलग तरह के रिलेशनशिप के बारे में लिखा होता है। वो दोनों घर आ जाते हैं और वो मैगजीन को लेकर रिलेशनशिप पे बात करते रहते हैं। एलन ब्रैंडी से कहता है, हम अलग अलग पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करने के बजाय क्यों ना हम एक रोमांटिक कपल को ढूंढकर हम सब एक साथ मिलकर इंजॉय करें। और ये बात ब्रैंडी को बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है और वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है। और अगले दिन वो ऐसे कपल्स के लिए पेपर में ऐड देते हैं और उन्हें उनके फोटोज वगैरह शेयर करने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस पेपर ऐड को जैक और लुइस नाम के कपल देखते हैं और वो अपने फोटोज और डिटेल्स को उस पेपर में दिए गए एड्रेस पर सेंड करते हैं। वैसे तो एलन और ब्रैंडी को बहुत सारे जगहों से रिप्लाई आता है लेकिन ये दोनों सिर्फ जैक और लुइस को ही चुनते हैं। बाद में एलन जब अपने ऑफिस जाता है तो वहां पर जैक से वो फोन पे बात करता है और अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन के सारे डिटेल्स उसे बताता है। और वो दोनों इंजॉय करने से पहले एक बार होटल पर मीटिंग करना चाहते हैं और मीटिंग की तारीख टाइम वो सेट करते हैं और ज़िब्रा लॉन्च नाम के एक बार में वो मिलने जाते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं और ये दो कपल एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं। और ब्रैंडी और लुइस को भी ये कपल बहुत पसंद आते हैं और ब्रैंडी कहती है कि सिर्फ एक दिन के लिए ही हम ऐसा करेंगे और अगले दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है एलन और ब्रैंडी दोनों रेडी होते रहते हैं जाने के लिए और वहां पर जैक और लुइस दोनों कार में आते हैं इन दोनों को पिकअप करने के लिए और ये दो कपल निकलते हैं किसी रिसोर्ट के लिए। और ये दो कपल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैक एलन से पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो जैक बताता है कि वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है और वो वाइस प्रेसिडेंट के प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है, लेकिन मेरे साथ एक नील नाम का एम्प्लॉय भी है, वो भी इसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है, पता नहीं हम दोनों में से किसको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद उन चारों को एक रूम में दिखाया जाता है। जैक ब्रैंडी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है, ये एलन देखते रहता है। लुइस उसके पास आती है और एलन से कहती है कि ब्रैंडी को जैक हैंडल कर लेगा, यू डोंट वरी। ये कह के लुइस एलन का हाथ पकड़कर अपने बेड की तरफ ले जा रही होती है। दरअसल एलन और ब्रैंडी बहुत नर्वस रहते हैं क्योंकि उनके लाइफ का ये पहला एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन बाद में लुइस एलन के साथ और ब्रैंडी जैक के साथ इंटीमेट होते हैं। और वो सारी रात इंजॉय करते हैं और अगले दिन अपने घर वापस लौट जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलन और ब्रैंडी फोन पर मैसेजेस सुन रहे होते हैं और उसमें से एक मैसेज जैक का होता है और पूछ रहा होता है कि फिर से एंजॉय करने के लिए हम कब जाएंगे, लेकिन एलन और ब्रैंडी उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते। और उसी दिन उनके घर एक पार्टी चल रही होती है, बल्कि ये पार्टी उनके बेटे के बर्थडे की होती है और जैक और लुइस वहां पर अचानक आ जाते हैं जबकि उन्हें इन्वाइट भी नहीं किया होता है और ये देखकर एलन और ब्रैंडी चौंक जाते हैं।
और इनके बेटे के लिए लुइस और जैक एक गिफ्ट भी लाते हैं और वहां के बच्चों के साथ वो खेलते कूदते इंजॉय करते हैं। और अगला सीन एलन के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां पर उसका बॉस आकर उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी कंपनी से बिजनेस डील करवाई है, जबकि एलन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। दरअसल ये डील जैक ने एलन के लिए करवाई होती है। एलन और उसका बॉस मीटिंग के लिए टेनिस कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर जैक को एलन देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये डील उसी ने करवाई है। और ये बात एलन ब्रांडी को जाकर बता देता है। तब ब्रांडी एलन से कहती है, क्यों ना हम फिर एक बार उनसे मिले। फिर ये दोनों जैक और लुइस से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, जहां पर वो एक स्विमिंग पूल पर इंजॉय करते हैं और उसमें ड्रग्स का भी सेवन करते हैं, जिसकी आदत एलन और ब्रांडी को नहीं होती है, जिसके कारण अगले दिन ब्रांडी की तबीयत खराब हो जाती है। वो सारा दिन अपसेट रहती है। और यहाँ जैक एलन से मिलने के लिए एलन के ऑफिस को आता है और कहता है कि लुइस तुम्हें बहुत मिस कर रही है, अगला प्रोग्राम हम कब रखें। लेकिन एलन उसका कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में दिखाया जाता है एक होटल में एलन की बिजनेस मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में उसका कुलीग नील भी रहता है और एलन सिर्फ एक ही मीटिंग में सक्सेसफुली उस बिजनेस डील को क्लोज करता है। ये देख उसका कुलीग इनसिक्योर हो जाता है और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद एलन लिफ्ट के अंदर जाता है। जैसे वो लिफ्ट में जाता है, वहां पर उसी लिफ्ट में लूसी भी आ जाती है। ये देख एलन परेशान हो जाता है। उसके बाद लूसी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती रहती है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग के सेलर में जैक नील को मार रहा होता है। दरअसल वो इसलिए ऐसा करता है कि नील अगर मर जाए तो प्रमोशन सिर्फ एलन को मिलेगा और वो एलन को इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो नील को मार देता है। और इधर लिफ्ट में लूसी एलन के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करते रहती है और एलन उसे अवॉइड करते रहता है। तब लूसी बताती है कि वो उसके वाइफ को नहीं बताएगी। तब एलन और लूसी लिफ्ट में ही इंटीमेट होते हैं। उसके बाद एलन अपने घर आ जाता है और घर पर ब्रांडी बहुत दुखी रहती है। वो कहती है एलन से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने बहुत गलत किया है। तब एलन उसे बताता है कि तुम दुखी मत हो, अगली बार से हम उनसे नहीं मिलेंगे। और एलन के घर पर पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि कल रात नील का मर्डर हुआ है, तुम कुछ जानते हो। तो तब एलन और ब्रांडी परेशान हो जाते हैं और एलन बताता है कि मीटिंग के बाद वो अपने घर आ चुका था, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और अगले दिन सीन में दिखाया जाता है एलन और ब्रांडी शॉपिंग करके अपने घर आते हैं और उनके घर पर जैक होता है। जैक को देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे बताते हैं कि हम यहाँ से रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं, अगली बार से आप हमसे मिलने की कोशिश मत करिए। लेकिन जैक उनके लिए एक बड़ी सी टीवी लाता है और उस टीवी में इन चारों ने जो इंजॉयमेंट किया था उसका वीडियो चल रहा होता है। और उसी वक्त वहां पर उनके बच्चे भी आ जाते हैं। वो देख ब्रांडी उस टीवी को नीचे गिरा देती है और उसे तोड़ देती है और जैक को गुस्से से घर के बाहर निकल जाने के लिए कहती है। और अगले ही सीन में ब्रांडी एलन से कहती है कि हमें इनके डिटेल्स पता करके इनका मैटर यहीं से क्लोज कर देना चाहिए। अगले दिन ब्रांडी उस बार को जाकर जैक और लूसी के बारे में पूछती है तो ब्रांडी को पता चलता है लूसी ने अपने फर्स्ट हस्बैंड का मर्डर करके वो जैक के साथ रह रही है। और ब्रांडी एलन को आकर ये बात बताती है। एक दिन उनकी बिल्डिंग में एक नए नेबर्स आते हैं और उन नेबर्स से मिलने के लिए एलन और ब्रांडी उनके घर जाते हैं और वो नेबर्स कोई और नहीं बल्कि जैक और लुइस होते हैं। वो देख एलन और ब्रांडी अपने ही घर को शिफ्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है एलन अपना काम करके ऑफिस से वो जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उनके बच्चे उनके घर पर नहीं होते हैं, एक्चुअली वो जैक के घर में होते हैं। एलन और ब्रांडी जैक के घर जाते हैं और उनके बच्चों को ले लेते हैं और जैक को वार्निंग देते हैं, हमसे और हमारे बच्चों से अगर तुम दूर नहीं रहे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। और जैक भी कहता है अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो हमने जो किया है उसका वीडियो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा, ये कहकर उसे ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर एलन और ब्रांडी बहुत घबरा जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि किसी भी तरह करके इन दोनों को यानी जैक और लुइस को मार दिया जाए। और ये प्लान बनाते हैं उन दोनों को मारने का और प्लान के अनुसार ये चारों एंजॉय करने के लिए वो कार में जा रहे होते हैं और जैक ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी लुइस जैक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करती है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार पलट कर गिर जाती है। लेकिन एलन और ब्रांडी को ज्यादा चोटें नहीं लगती है और वो कार के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लुइस मर जाती है और जैक का पैर भी उसी कार के अंदर फंस जाता है जिसके कारण वो बाहर निकल नहीं पाता और उस कार की फ्यूल टैंक फटने की वजह से फ्यूल जा रहा होता है।
ये देख एलन अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस कार को आग लगा देता है और आखिरी में दिखाया जाता है वो फिर से नॉर्मल और खुश रहते हैं और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।